गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोगों ने कल थर्ड यूनिट को स्टार्ट किया। थर्ड यूनिट में हमने कल जो देखना शुरू किया था वो किया था बाल केंद्रित शिक्षा, विभिन्न विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा। तो हमने कल बाल केंद्रित शिक्षा क्या है और बाल केंद्रित शिक्षा की सबसे पहले हम देखेंगे महल। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है? अगर हम एक आम दैनिक विचारधारा के आधार पर या एक यूं कहें कि सामान्य सामाजिक विचारधारा के आधार पर अगर हम सोचते हैं या इससे संबंधित अपनी बात कहना चाहते हैं तो हम सिंपल से या साधारण सी बात कह सकते शिक्षा का महत्व कि बालक को उसके जीवन में कहना चाहिए कि जीवन के जीने योग्य बनाया जा सके, उसे अपनी स्वेच्छा के आधार पर या यूं कहा जाए कि हम बालक को एक सफल नागरिक, सामाजिक गुणों युक्त और जिस भी राष्ट्र में रहता है उस राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक के गुणों का उसमें विकास कर सके, इस तरह की शिक्षा उसे प्रदान करें। और वो शिक्षा कब होगी? जब बालक जिसमें उसकी रुचि है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास कब आया? जिस विषय में उसकी रुचि है उसी विषय के अनुकूल यदि वो शिक्षा प्राप्त करता है, जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है, तो निश्चित है कि वह सफलता की श्रेणियों को पार करता है और अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। इसीलिए शिक्षा का महत्व अगर आम उसमें देखा जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व तो बालक के सर्वांगीण विकास पर, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का जो विकास है वो उसके बालकों के या व्यक्ति उसके समाज और उसके नागरिकों के विकास पर निर्भर करता है। और कोई भी नागरिक तब विकसित विकास कर पाएगा जब उसको उसकी योग्यता रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए, प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, तभी वह विकास प्रक्रिया में निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहेगा। और जब एक व्यक्ति विशेष बढ़ता है तो निश्चित है कि उसके साथ में संपूर्ण राष्ट्र का भी धीरे धीरे, मतलब कहना चाहिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक व्यक्ति के विकास से संपूर्ण राष्ट्र का विकास संभव होता है। इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा में का जो महत्व है एक बालक या किसी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत अधिक माना जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है। तो सबसे पहला है, इसमें बालक प्रधान शिक्षा पर बल दिया गया है। बालक की इस शिक्षा का महत्व कहां से आ रहा है? बालक की प्रधानता है इसमें, शिक्षक की प्रधानता नहीं है। शिक्षक यहाँ पर एक मार्गदर्शक के रूप में अपना कार्य करेगा। यहाँ पर यह एक ये कहा जाए कि बालक केवल बालक की इसमें प्रधानता होती है, शिक्षक इसमें मार्गदर्शक होता है। इसीलिए बालक को प्रधानता प्रदान की जाती है, यानी कि उसकी अपनी रुचि योग्यता और क्षमताओं के अनुसार उसे शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाता है या प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। शिक्षक क्या चाहता है उसके अनुकूल उसे शिक्षा नहीं दी जाती। इसके अंदर बालक क्या चाहता है उसके अनुकूल उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। अगली बात आती है सरल और रुचिपूर्ण। सरल व रुचिपूर्ण, सरल व रुचिपूर्ण यानी कि शिक्षा में सरलता होनी चाहिए, वो सरल हो और रुचिपूर्ण हो। तो वो चीज कब संभव है? जब बाल केंद्रित शिक्षा हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व शिक्षा को रुचि सरल और रुचिपूर्ण बनाने के लिए इसका महत्व अधिक पाया जाता है या ये महत्वपूर्ण देखी जाती है, मान्यता। अगली बात आती है आत्म अभिव्यक्ति का अवसर।
आत्मा अभिव्यक्ति के अवसर, आत्मा अभिव्यक्ति के अवसर, यानी कि यहां पर व्यक्ति के आत्मा अभिव्यक्ति, स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर उसे प्राप्त होने चाहिए। अगर व्यक्ति को स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर अगर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं तो ये मानकर चलिए कि वह विकास की प्रक्रिया में अपने आप को या वो कहा जाए कि वह अपने अपनी किसी समस्याओं को या जो कुछ भी कहता समझता है वो कह नहीं पाएगा या वो कहा जाए कि अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। जब वो स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने कार्यों को, अगर वह सबके सामने प्रदर्शित या समझा नहीं पाएगा तो मन वो उतना आगे या प्रभावी उसका व्यक्तित्व नहीं बन सकेगा। और प्रभावी व्यक्तित्व या प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक होता है कि उसमें आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अगली बात इसमें आती है वह है ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण पद्धति। ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण पर बल, यानी कि यहाँ पर बच्चों की शिक्षा का जो कह मूल जो प्रारंभ प्रथम स्तर है वो बालक की ज्ञानेन्द्रियां हैं, यानी कि बालक ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से शिक्षा को अर्जित या किसी भी चीज को देखता पहचान, कहना चाहिए कि प्रथम परिचय जो किसी भी तथ्य का होता है, किसी भी सूचना उसे प्राप्त होती है तो वो ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो महत्व है वो बालक की ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षित करने का है कि उसकी ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से जैसे कि उसमें श्रवण क्षमता होनी चाहिए कि वो सुनकर, लिसनिंग का होना बहुत जरूरी है, सुनकर किसी चीज को समझना अभिव्यक्त करना उसे आना चाहिए, सीखना उसे आना चाहिए। तो उसकी श्रवण क्षमता के लिए किसके कानों का उसे जो है ज्ञानेन्द्रिय है श्रवण ज्ञानेन्द्रियों का उसका परिपक्व होना अनिवार्य है। तो उसका प्रशिक्षण कि किस तरह से आपको, क्योंकि भाषा का विकास होना बहुत जरूरी है और भाषा को वो समझेगा कब, जब वो सुनेगा, तो सुनने की क्षमता उसकी प्रभावशाली होनी चाहिए। देखना यानी कि देखते हम सब हैं लेकिन एक किसी को बहुत ध्यान से कहना चाहिए कीन ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं कि सूक्ष्म निरीक्षण की जो क्षमताएं हैं उसका होना व्यक्ति में अनिवार्य है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो शिक्षा है वो बालक के ये कहा जाए कि ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है या उनको परिपक्वता प्रदान करने में सहयोग प्रदान करती है। इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा में ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है व्यवहारिक व सामाजिक शिक्षा। व्यवहारिक व सामाजिक शिक्षा, क्योंकि एक विशेष शिक्षा के लिए तो हम विशेष योग्यताओं की तरफ पढ़ते हैं लेकिन उन विशेष योग्यताओं को अर्जित करने के लिए सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, तो विशिष्ट ज्ञान तक जाने के लिए पहले सामान्य ज्ञान का होना अनिवार्य है। इसीलिए एक सामान्य ज्ञान के लिए एक व्यवहारिक ज्ञान का, क्योंकि कोई भी हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वो कब होगा जब उसको हम व्यवहार में ला सके। हम कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसका व्यवहारिक स्वरूप होना हमारे लिए अनिवार्य है, तभी वह हमारे लिए ज्ञान का रूप धारण करता है, नहीं तो हम वह एक सूचना मात्र बनकर रह जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह बालक को जो भी शिक्षा प्रदान करती है उसका व्यवहारिक स्वरूप या व्यवहार में बालक उसका उपयोग में कैसे लेके आएगा उसका प्रशिक्षण प्रदान करता है, साथ ही सामाजिक शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि बालक समाज की एक इकाई है, समाज में ही वह रहता है, उसका जीवन, उसका जो जीवन यापन है यूँ कहा जाए कि वो समाज का एक प्राणी है, समाज से अलग हटकर वह नहीं रह सकता है। इसीलिए आवश्यक है कि उसे सामाजिक प्राणी या सामाजिक मूल्यों का ज्ञान उसे जिस तरह के नागरिकों की अपेक्षा की जाती है वैसे गुणों का उसे विकास
शिक्षा का महत्व है कि व्यक्ति की बालक की शिक्षा को इस तरह से प्रदान की जाए कि वह शिक्षा उसके लिए व्यवहारिक हो, सामाजिक हो, तो उसका विकास हो सके। इस दृष्टि से हम शिक्षा के महत्व को, बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को हम समझते हैं। अगली बात इसमें आती है, शिक्षक की भूमिका क्या है। शिक्षक की भूमिका निश्चित है कि शिक्षक यहाँ पर एक तरह से मार्गदर्शक, शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक केंद्र में नहीं, शिक्षक एक साइड में समझ लीजिए, केंद्र में कौन है? पालक। केंद्र का जितना भी टारगेट होता है वो पालक होता है कि बालक को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, उसकी आवश्यकताएं क्या, उसकी रुचि क्या, उसकी क्षमताएं क्या है, उसी के अनुकूल बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो शिक्षक शिक्षा प्रदान कौन करता है? शिक्षक, क्योंकि शिक्षा के तीन आयाम मुख्य रूप से त्रिआयामी स्वरूप माना जाता है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम या उद्देश्य जो भी है, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा के जब हम बात करते हैं और बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, छात्र है और अध्यापक नहीं है तो उसका कोई अर्थ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि बालक अपने व्यक्तिगत स्तर पर, ये बात अलग है कि वर्तमान में बच्चे इंटरनेट से बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन इंटरनेट से चाहे आप दसियों तरह की इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, लेकिन उसके मूल भाव को समझना, उसके वास्तविक अर्थ को समझना, उसके वास्तविक व्यवहारिक प्रयोग को समझना में किसी न किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन या उसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, या उसके द्वारा निर्देशन की उसे आवश्यकता होती है। और यह निर्देशन कौन देगा या ये मार्गदर्शन हमें कौन प्रदान करेगा? वह है शिक्षक। उसका स्पष्टीकरण कौन करेगा? शिक्षक। यानी शिक्षक बेशक कई बार कह सकते हैं कि वो भी तो यही मुख से पढ़कर हमें स्पष्ट कर, लेकिन अनुभव भी कुछ कार्य करता है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में एक दो तीन चार साइड से पढ़ लेंगे, तीन चार बुक्स से पढ़ लेंगे, लेकिन एक अध्यापक जो कि पिछले 10 साल से 15 साल से इसी कार्य को करता आ रहा है, तो वो निश्चित मानकर चलिए कि इन 15 सालों में किसी एक किताब को तो नहीं पढ़ेगा वो, इन 15 सालों में कम से कम, अगर बहुत कम भी पकड़ के चलते हैं तो 10 किताबों का तो उसने अध्ययन किया होगा, उसके आधार पर उसके मूल अर्थ पर पहुँचा होगा। फिर बाद में शिक्षक जब कक्षा कक्ष में खड़ा होकर बाल छात्रों को पढ़ाता है या समझाता है, तो यह मानकर चलिए कि कई बार परिस्थितियां भी उसे बहुत सारे अनुभव प्रदान करती है, या बालकों के साथ में अदालत या इंट्रैक्शन के माध्यम के वक्त भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती है कि नए अनुभव शिक्षक को प्राप्त होते हैं और वो उसके अनुभवों के एक संकुल में एक और जोड़ता चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि निश्चित है कि एक शिक्षक के द्वारा जो स्पष्टीकरण किया जाता है, जो बालक को प्रशिक्षण या निर्देशन प्रदान किया जाता है, वह बालक के व्यक्तिगत स्तर पर एकत्रित किए गए अनुभवों से अधिक होता है। इसीलिए शिक्षक की भूमिका को हर समय हर स्थान पर महत्वपूर्ण माना गया। तो बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? तो सबसे पहले है कार्यों को करने में सहायक। कार्यों को करने में सहायक, ठीक है ना, कार्यों को करने में सहायता कि व्यक्ति किसी भी कार्य को, बालक को किसी कार्य को करना है तो कैसे करना है, क्योंकि निश्चित है कि बालक जैसे कोई एक छोटा मॉडल बना रहा है, वो थर्मोकोल को काट के और थर्मोकोल के माध्यम से किसी मॉडल को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित है कि बालक को उस
इन सब के लिए उसे किसका प्रशिक्षण, किसके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी? शिक्षक। इसीलिए शिक्षक बालक को कार्य करने में सहायता प्रदान करता है कि अमुक कार्य को आपको कैसे करना चाहिए, इस तरह से उसका सहयोग प्रदान करता है। फिर है सर्वांगीण विकास के लिए, अगली बात इसमें जो आती है वह है
बालक के विकास हेतु स्वतंत्र निर्णय, बालक के विकास हेतु स्वतंत्र निर्णय लेने लेना, ठीक है ना। यहां शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि बालक का उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, बालक का विकास। अब बालक के विकास के लिए आपको अगर लग रहा है कि स्वतंत्र निर्णय लेने की आपकी क्षमता होनी चाहिए या आपको स्वतंत्रता दी जाती, क्योंकि आपको पता है कि बालक किसी चीज को कैसे सीखेगा। जरूरी नहीं है कि इस समय ठीक है कोई ऐसा कार्य चल रहा है कि आप विद्यालय में आप बच्चों को शोर शराबा नहीं हो सकता है, तो निश्चित है कि आप कुछ और तरीका निकालेंगे। आपको लग रहा है कि मैं खेल विधि के माध्यम से, तो आपको वातावरण को भी ध्यान में रखना है। आपको लगता है कि वातावरण सामान्य है, कोई परीक्षा का माहौल नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो आप बालकों को खेल विधि के माध्यम से सिखा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, खेल विधि बेशक आपकी बहुत प्रभावी है, लेकिन कुछ परीक्षा का माहौल है या विद्यालय में कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा है, चल रहा है कि बालकों का शोर होना ठीक नहीं है, तो आप बालकों को कोई और विधि का उपयोग आप कर सकते हैं। यानी कि आपके स्वतंत्र निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप क्या चाहते, किस तरह से बालक सीखना चाहता है, तो बालक को उसी तरह से आप सिखा सकते हैं। आपकी स्वतंत्र है आप किसी भी तरह के निर्णय लें, आप किसी के ऊपर बाउंड नहीं है, आपके ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं है कि नहीं आप इसको केवल व्याख्या विधि से पढ़ाओगे या आप कहीं खेल विधि से पढ़ाओगे, आप इसके लिए प्रतिबंधित नहीं है। यानी कि काल समय और परिस्थिति के अनुसार जो भी निर्णय है उसको लेने के लिए शिक्षक स्वतंत्र होता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, बालक का विकास। अगर बालक का विकास को ध्यान में रखते हुए अगर किसी स्वतंत्र रूप से खुद को विचार करके कोई निर्णय लेना है तो शिक्षक उसके लिए स्वतंत्र होना है। अगली बात इसमें आती है अधिगम संबंधी कठिनाइयों को व्यक्तिगत।
व्यक्तित्व, भिन्नता पर बल, यानी कि व्यक्ति भिन्नता, क्योंकि एक कक्षा में एक ही जैसे एक ही प्रकार की मानसिकता के बालक के शिष्य नहीं होते हैं, उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और इन व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बल दिया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक का कार्य या शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वो इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखे और इनके निदान में इनके निवारण इन भिन्नताओं के आधार पर बालकों में अपनी योजना इस तरह से निर्मित करें कि कक्षा में जितने भी बालक बैठे हैं उनमें सब में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और हर बालक को यह अनुभव हो कि इस प्रक्रिया के माध्यम से मुझे हर चीज अच्छे से समझ में आ रही है, अर्थात कि जब शिक्षक कक्षा कक्ष में जाता है तो उसके दिमाग में इस चीज का उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसकी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता बालकों में भिन्न भिन्न प्रकृति और योग्यता के बालक सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होना अनिवार्य है। अर्थात एक शिक्षक का जो भूमिका है वो एक तरह से देखा जाए कि बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए हर उस प्रक्रिया को अपनाए या हर उस प्रक्रिया का ध्यान रखें जिससे कि बालक का विकास संभव हो सके। अब जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात यहाँ तक हमने समझी कि बाल केंद्रित शिक्षा में किस तरह से शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखते हैं तो शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल अधिक दिया जाता है। यह शिक्षा का जो एक अगर हम हमारे पुराने ग्रंथों को उतारकर देखते हैं तो उस समय शिक्षा का प्रचलन प्रारंभ से ही रहा है और इसकी वजह से शिक्षा का जो प्रचलन है वो प्रारंभ से ही रहा और इसकी वजह से ये बात स्पष्ट है कि उस समय शिक्षा जो थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी और हर आयु वर्ग के हर योग्यता के व्यक्ति बालक को एक ही स्थान पर बैठा कर एक ही जैसी शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब शिक्षा का जो स्वरूप था उस समय निश्चित है कि आध्यात्मिक था, फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक से बढ़कर फिर आया राजनीतिक राजनीति के साथ जैसे जैसे समाज का स्वरूप और समाज की आवश्यकताओं में वृद्धि होती चली गई शिक्षा के स्वरूप में बदलाव आया। लेकिन वहां जो व्यवस्था थी ऋषि मुनियों के गुरुकुलों में वहां पर हर आयु वर्ग के बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान की जाती थी, उनमें भिन्नता नहीं थी। लेकिन ये चीज जैसे जैसे क्योंकि मनोविज्ञान जो एक दर्शन शास्त्र की का एक यूनिट मानते थे, जब इस यूनिट क्या मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र की यूनिट मात्र थी, वहां से इसका एक अलग विषय के रूप में उसको स्वीकार किया गया या उसकी आवश्यकता को अनुभव किया गया, तब मनोविज्ञान ने इस चीज पर बल दिया कि मनोविज्ञान क्या है, वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान है, अर्थात कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करके उसके बारे में जानकारी प्रदान करना मनोविज्ञान है। जब यही व्यवहार का अध्ययन किया गया तब ये बात सामने आई कि जो शिक्षा का हमारा ढांचा या स्वरूप है वह शिक्षक केंद्रित है, बालक केंद्रित नहीं है। शिक्षक केंद्रित यानी कि जिसमें शिक्षक को केंद्र में रखा जाता है। लेकिन मनोविज्ञान ने ये चीज साबित की कि बालक को अगर हम हमारे अनुकूल शिक्षा प्रदान करते हैं तो ये निश्चित मानकर चलिए कि जो शिक्षा आप दे रहे हैं वह बालक के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है और उपयोगी नहीं है। इसीलिए शिक्षा शिक्षक केंद्रित ना होकर शिक्षक जो चाहता है जैसा चाहता है जितना चाहता है उतना शिक्षक नहीं प्रदान करेगा, बल्कि बालक क्या चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है, कब चाहता है, कैसे चाहता है, वह बालक पर निर्भर करता है। इसीलिए मनोविज्ञान का ही एक ये उसके ही अनुसंधानों का परिणाम था कि शिक्षा में जो शिक्षा केंद्रित शिक्षा थी उसके स्वरूप को बदला और बाल केंद्रित शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किए। अब जब बात आएगी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए तो निश्चित है कि इस संबंध
बातें कहाँ से आई, तो निश्चित है इस समय बहुत सारे विचारकों ने बहुत सारे विचारक यानी कि जो एक शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, विचारक ऐसे ही नहीं, जो शिक्षा से जुड़े थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति जुड़े थे, उन्होंने ये चीज महसूस करी, उन्होंने ये देखा कि नहीं बालक एक शिक्षा, हम जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो हमारी अपनी योग्यता क्षमताओं के अनुसार, हमारी अपनी रुचि के अनुसार है, हमारी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम बालकों को प्रदान कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बालक के योग्य है, वो बालक उसको समझ पा रहा है या नहीं, ये चीज जब उन्होंने स्वयं एक शिक्षक के कार्य उन्होंने किया तो उन्होंने इस चीज को समझा कि नहीं ये चीज सही नहीं है, क्योंकि हम जैसे सुकरात की बात कही जाए या और प्लेटो की बात कही जाए, तो इन लोगों ये लोग भी एक तरह से एक शिक्षक के रूप में इन्होंने अपने कार्यों को किया, तब इन्होंने इस चीज को महसूस किया कि नहीं हम जो बालकों को दे रहे हैं वो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शिक्षा हमारे अनुकूल नहीं बालकों के अनुकूल होनी चाहिए, और यही धारणा की इसी धारणा पर आधारित अब हम नेक्स्ट वीडियोस में विभिन्न विचारकों के बारे में, विभिन्न विचारकों की शिक्षा से संबंधित विचारों को जानेंगे, कल हम प्रारंभ करेंगे गांधी जी का शिक्षा के प्रति क्या विचार, इसी आधार पर हमारा आज का एक प्रश्न होगा, हमारा होमवर्क होगा बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को शिक्षा को समझाते हुए शिक्षक की भूमिका को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के कारण अपने आप को सुरक्षित